नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। लोकसभा चुनाव 2019 वाले एकदम सिर पे आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को लेकर 3 अप्रैल को पासीघाट अरुणाचल प्रदेश पहुंचे थे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं जिनके लिए 11 अप्रैल को चुनाव होना तय हुआ है। पीएम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा था वहाँ एक कि इस बार आपकी सांस्कृतिक विरासत परंपरा आपके गौरव की रक्षा करने वालों और आपके परिधानों आपकी परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों आपका अपमान करने वालों के बीच में चुनाव होना है। मोदी ने आगे कहा कि एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गौरव के साथ स्वीकार करने वाला, आपकी परंपरा को अपनी परंपरा मानने वाला आपका चौकीदार आपके साथ खड़ा है। यह बोलते हुए मोदी गले में ब्लू कलर का नेकलेस जैसा कुछ पहने हुए थे और बोलते हुए उसे लोगों को दिखा रहे थे। मैं आपकी सांस्कृतिक विरासत परंपरा आपके गौरव की रक्षा करने वालों और आपके परिधानों आपकी परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों आपका अपमान करने वालों के बीच ये इसका चुनाव होना है। एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गौरव के साथ स्वीकार करने वाला, आपके आपकी परंपराओं को मेरी परंपरा मानने वाला आपका एक चौकीदार आपके साथ खड़ा है। आइए जान लेते हैं कि पीएम ने जो ये पहना हुआ था वो आखिर चीज क्या थी। अरुणाचल प्रदेश में कई जनजातियों के लोग रहते हैं। इन सब के रहन सहन, परंपराएं, संस्कृति, बोलचाल और पहनावे में काफ़ी अंतर होता है। इन्हीं में से एक आदि जनजाति होती है। आदि कबीले के लोगों का भी अपना अलग पहनावा होता है। पीएम मोदी ने जिस तरीके का हार पहना हुआ था उस तरीके के हार या नेकलेस या जो भी कहो उसको, वो अरुणाचल और असम के आदि के कबीले के लोग पहनते हैं। सबसे कॉमन नेकलेस को अरुलया के नाम से जाना जाता है। इस हार में 36 से 60 मोती जुड़े होते हैं। इस तरह की एक और नेकलेस होती है जिसे लेकापो के नाम से जाना जाता है। इस तरह के हार इदू मिश्मी जनजाति के लोग भी पहनते हैं। वैसे अरुणाचल प्रदेश की जिन जातियों की हम बात कर रहे हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले परिधानों और एक्सेसरीज में भी काफ़ी अंतर होता है, लेकिन ये अंतर इतना बारीक है कि इनको एक ही अम्ब्रेला के अंदर रखा जा सकता है। यानी ये हो सकता है कि आप अरुणाचल जाएं और वहाँ पर मोदी द्वारा पहने गए हार के कई वेरियंट दिखें। साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए जब बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पासीघाट पहुँचे थे उस वक्त भी आदि जनजाति तक पहुँचे थे। आदि जनजाति में मोदी नाम का एक कबीला होता है। मोदी ने उस वक्त कहा था कि इस कबीले से हमारे पूर्वजों का ज़रूर कुछ संबंध रहा होगा क्योंकि हमारे सरनेम और आपके कबीले का नाम एक ही है। दी लल्लन टॉप के लिए ये स्टोरी आदित्य ने लिखी थी। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। हमारे और वीडियो देखने के लिए दी लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।